हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मतदाता पुनरीक्षण सहित चुनाव संबंधित अन्य तैयारियों का उप चुनाव आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ संपूर्ण समाधान दिवस, मंडलायुक्त आईजी एसएसपी भी रहे मौजूद। समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। 282 मामलों में से लगभग एक दर्जन मामलों का हुआ त्वरित निस्तारण। उत्तर प्रदेश भवन एवं सह निर्माण कर्मकार राज्य परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष रघुराज सिंह ने किया विभागीय समीक्षा बैठक, कहा कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। वार्ड नंबर 10 लक्ष्मीपुर में चल रहे नाला निर्माण और सफाई व्यवस्था का जिलाधिकारी ने लिया जायजा, कार्य को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। 32वीं राज्य स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का रंगारंग हुआ समापन, 65 अंक प्राप्त कर गोरखपुर रही ओवरऑल चैंपियन, मेरठ दूसरे और वाराणसी रहा तीसरे स्थान पर। भोजपुरी साहित्य उत्सव एवं सम्मान समारोह में सम्मानित हुए भोजपुरी साहित्य के पुरोधा। एसपी क्राइम की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापार प्रकोष्ठ की बैठक, व्यापारियों के विभिन्न समस्याओं पर हुई चर्चा, निस्तारण के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद गोरखपुर का 61वां वार्षिक सम्मेलन एवं शैक्षिक विचार गोष्ठी हुआ संपन्न। गोष्ठी में लक्ष्य से भटकी हमारी शिक्षा, कारण और निवारण विषय पर शिक्षकों ने रखे अपने अपने विचार। गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में विश्वास फलों के डेमेस्टर शेफर सिद्धांत के व्यावसायिक निर्णय में अभी प्रयोग विषय पर आयोजित हुई विशेष वार्ता, प्रोफेसर राजेंद्र पी श्रीवास्तव ने व्यावसायिक निर्णय के क्षेत्र में हो रहे नए शोधों पर डाला प्रकाश। सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में महिला प्रकोष्ठ केयर के तत्वावधान में आयोजित हुआ वार्षिक उत्सव, छात्राओं ने प्रस्तुत किया मनमोहक नृत्य। और उज्ज्वल ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में आतिफ क्रिकेट एकेडमी की बड़ी जीत, डोना क्रिकेट एकेडमी को रिकॉर्ड 177 रन से रौंदा।